आज का ब्लॉग कुछ डिफरेंट रहेगा हमेशा की तरह, स्पेशली फॉर बाइक लवर्स जो रॉयल इनफील्ड के दीवाने हैं। और मैंने रिसेंटली एक फोटो अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे, जिसमें मॉडिफाइड रॉयल इनफील्ड के साथ में मैंने फोटो निकाला था। बहुत लोगों ने मुझे DM किया कि भाई किसका बाइक है, क्या है, कैसे किया, किसने किया। तो इसी चीज़ के रिलेटेड मैं आज का ब्लॉग बनाने वाला हूँ। एनीवेज, कैसे गाइस, पब्लिक वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका सबका प्यारा नेहरा, मिथ मुंबई का। सो पर्सन से मैं अभी थोड़ी टाइम में आपको मिलाऊंगा, वो बाइक भी दिखाऊंगा, किस तरीके से उसे मॉडिफाइड किया, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो स्टे ट्यून विद अस। सो फाइनली वी आर हियर गाइस, और यही वो बाइक थी। आपने तो इंस्टाग्राम पे मेरा फोटो तो देखा ही रहेगा, आपने बहुत सारे DM किया मुझे। तो यही वो पर्सन को मुझे मिलाना था जिसने ये बाइक मॉडिफाई किया, और आई थिंक बहुत सारी रॉयल इनफील्ड भी मॉडिफाई की है इसने। तो इसके इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, अगर आपको भरोसा नहीं है तो इसके इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, इंस्टाग्राम पेज पे हल्दरकर कस्टम्स, तो इसके इंस्टाग्राम पेज पे जाओ और आप देख सकते हो कि इसने कितनी सारी बाइक मॉडिफाई की है। रॉयल इनफील्ड में तो ये बहुत ज़्यादा माहिर है। तो आपको कोई भी बाइक मॉडिफाई करना रहे या कुछ भी रहे, आप डायरेक्टली इसको DM कर सकते हो। फेसबुक पे भी इसका पेज है। तो पहले इसका थोड़ा लुक लेते हैं। गाइज, अगर ये बाइक के बारे में ना बताऊँ तो बहुत गलत हो जाएगा। आप सबको तो थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगा ये बाइक के बारे में। तो ये 2016 का मॉडल है, 500cc रॉयल इनफील्ड, और इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुआ है। आप देख सकते हो ये फ्रंट टायर है, ये 110mm के है फ्रंट टायर, और पीछे का लुक अगर आप देखोगे रेयर के टायर है 140mm के ये टायर्स है। ओके, और देखिए ये पूरा फुटरेस्ट भी कम्प्लीटली चेंज हुआ है, पूरा कस्टमाइज हुआ है। तो ये जो येलो कलर के आपको ये पार्ट्स दिख रहे हैं वो कम्प्लीटली ब्रास है, और यहाँ पे आप नाम भी देखिए, हल्दनकर कस्टम्स जिसने मॉडिफाई किया उसी का नाम यहाँ पे है हल्दनकर। थोड़ा और अगर मेरे फॉलोअर्स को थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे तो अच्छा रहेगा। सर्टेनली। तो ये जो बाइक में मेजर, जैसे उन्होंने बोला, ब्रास पार्ट ज़्यादा यूज हुए। अगर आप माइन्यूट डिटेलिंग देखोगे तो इसका जो क्लच लीवर है, फ्रंट ब्रेक लीवर है, फिर आप अगर आपको गाड़ी में, बाइक मेन स्टैंड, मोटरसाइकिल मेन स्टैंड में डालनी है तो आप ये नकल पंच हमने दिया है होल्ड करने के लिए ताकि आप मेन स्टैंड में डाल सको। साइड स्टैंड ब्रास का डाला हुआ है, सिंगम की जो कैप है वो भी ब्रास की है, आप देख सकते हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप इसका फ्यूल कैप देखोगे, ये तो फ्यूल कैप है, ये देखने भी नहीं मिलता जी। ये कस्टमाइज फ्यूल कैप है जो राजपूताना कस्टम मोटरसाइकिल्स राजस्थान उनसे ऑर्डर किया गया है, और सिर्फ ये फ्यूल कैप की ही कॉस्ट 8500 अप्रॉक्सीमेट। कॉस्टिंग के ऊपर तो बाद में आएंगे कि कितना कॉस्टिंग लगा है, वो तो मैं ज़रूर पूछने वाला हूँ। मेरे फॉलोअर्स को भी पता चलना चाहिए कि कितना कॉस्टिंग है ये सब मॉडिफिकेशन में, इसके बारे में। ये कस्टम हेडलाइट है, ये बनाई हुई है पूरी हेडलाइट इंक्लूडिंग ग्लास, और इसमें अगर आप मेजरली देखोगे जो मॉडिफाई किया हुआ है, ये स्टैंडर्ड 500 मोटरसाइकिल है। ओके, ये स्टैंडर्ड 500 ही है, ये थंडरबर्ड नहीं है। थंडरबर्ड नहीं है, जिनको लगता रहेगा ये थंडरबर्ड है, ये थंडरबर्ड डेफिनेटली नहीं। साइलेंसर आप देख सकते हो, दिस इज मेगाफोन एग्जॉस्ट, इसको मेगाफोन बोलते हैं, और ये साइलेंसर का साउंड भी बहुत अच्छा है, अगर आपको सुनना है तो सुना। मैं चलाऊंगा भी ये बाइक थोड़े टाइम में, मुझे तो चलाना तो है ही, मैंने पहले भी चला, बट बाकी सबको भी पता चलना चाहिए किस तरीके से चलेगा, कैसे लगेगा, लुक वगैरह। आपको अगर आपके इसका हैंडल बार के बारे में थोड़ी जानकारी दूँ, अगर इसके आप इंडिकेटर्स देख सकते हो, मिरर्स देख सकते हो, ये वर्दनची कस्टम मोटरसाइकिल जो है, वर्दनची मोटरसाइकिल्स मुंबई के, उनसे ऑर्डर किया गया है ये। तो बेसिकली नॉट ओनली हल्दनकर कस्टम्स, बट इसके साथ
दो बड़े कस्टम हाउस जो है ऑल ओवर इंडिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इसकी पेंट जॉब देखोगे तो इसमें ड्यूअल पेंट है विद पिन स्ट्राइपिंग है, वाइट कलर का स्ट्राइप दिया गया है दोनों पेंट को डिवाइड करने के लिए, पेंट है मरून कलर। अशु फिर से मेरे ब्लॉग में आ जाया आप सबको पता ही है मेरे हमेशा मेरे ब्लॉग में रहता ही है, क्योंकि ये पेंट करने वाला आदमी भी यही है, इसको ही सब ऑर्डर्स मिलते हैं। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम में पिक भी अपलोड किए थे जिसमें आशु ने बहुत सारे बाइक को पेंट वगैरह किया था, सब कुछ किया था, तो ये वही बंदा है। तो अगर आपको कस्टमाइज़ करना है कुछ भी चीज़ें तो इसके पास आइए, अगर आपको बाइक में कुछ कलर वगैरह कुछ भी करना है तो इसके पास आइए। तो मेरे पास दोनों लोग हैं, दो मेरे अनमोल रतन है यहाँ पर, मैं इंस्टाग्राम का दोनों का पेज यहाँ पर मेंशन करूँगा, दोनों का फॉलो करना, एक बार इंस्टाग्राम का पेज सिर्फ चेक करके देखना, आपको आप समझ ही जाओगे मतलब कितने मेहनती लोग हैं दोनों। हम लोग ने मिलके अब तक 12 बाइक बनाई है, तो ये सिर्फ हल्दनकर कस्टम्स की बाइक नहीं बोल सकते आप, इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत है, जैसे आशुतोष भाई जो सामने दिख रहे हैं वो है। तो अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मुझे बाइक चलानी है फटाफट, तो चलो चलाते हैं। सो गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही था, मैंने आप सबको बता दिया है कि रॉयल एनफील्ड कस्टमाइज़ किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से तो नहीं बोल सकता बट कस्टमाइज़ होने के बाद में किस तरीके से इसका लुक दिखेगा, कि जिसने कस्टमाइज़ किया उसको भी मिला दिया, जिसने पेंट किया उसको भी मिला दिया। सो इनकेस इन फ्यूचर आपको कुछ भी कस्टमाइज रिलेटेड या कुछ भी बाइक के रिलेटेड क्वेरी हो या फिर कुछ करना हो तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो उन लोग से। बाइक का कॉस्टिंग मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि एज़ पर मॉडिफिकेशन के हिसाब से बाइक का कॉस्टिंग डिसाइड होता है इसके लिए। एनीवेज आप सबको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गाइस, इट्स विथ मुंबई का, एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड नेवर फॉरगेट टू एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय।